गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म, और आज हम एंजियोस्पर्म के जो जनरल करेक्टर होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। काफी बातें जो होती है इसमें इम्पोर्टेंट होती है जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं किसी की, जैसे एमएस वगैरह की, तो टॉपिक आपके लिए जो होता है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए आज की जो वीडियो होती है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म क्या होता है? एंजियोस्पर्म जो होता है वो ऐसा प्लांट होता है जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा इसका एक करेक्टर है जिसमें आप ये बताएंगे कि इसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होता है वो एक कवर्ड से क्या होगा, घिरा हुआ होगा, उसके ऊपर जो होता है खोल प्रेजेंट होगा। इसका जो सीड होता है वो नेक्ड नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, सीड नेक्ड होता है, मगर एंजियोस्पर्म में क्या होता है, सीड नेक्ड नहीं होता। इसका सीड जो होता है क्या रहता है, कवर्ड होता है। जैसे कि आपने मैंगो भी कई बार खाया होगा, तो मैंगो जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एंडोकार्प होता है, और एंडोकार्प मतलब गुठली। और उसको जब आप देखोगे तो उसको तोड़ दो, और तोड़ने के बाद आपको उसके अंदर क्या मिलेगा, उसके अंदर उसका जो सीड होगा वो आपको मिलेगा। मतलब उसका सीड जो होता है वो क्या होता है, वो कवर्ड होता है एक एंडोकार्प के द्वारा। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। और इनकी मेन पहचान है कि ये क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। तो ये था एंजियोस्पर्म। अब इसके जनरल करेक्टर देखते हैं। तो जनरल करेक्टर्स में अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा कि इसमें क्या होते हैं, 250,000 स्पेसीज जो होती है इसकी प्रेजेंट होती है धरती पर, जो इसकी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी प्रेजेंट है। ये इतना अच्छी और सक्सेसफुली डेवलप्ड प्लांट है कि इसकी जो वेराइटी है और इसकी जो हैबिटेट है वो भी क्या है, वो भी काफी अच्छी है। ये अलग अलग तरह की जो हैबिटेट्स होते हैं उसमें पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो हिमालय जो होता है, मतलब 6000 जो डिग्री, 6000 जो फीट है, वहां पे भी जो होता है ये पौधे मिलते हैं कई बार। और जो अंटार्कटिका जैसी जो जवाब देने वाली ठंड है वहां पे भी कई तरह इसी तरह के जो पौधे होते हैं, इससे रिलेटेड जो पौधे हैं वो इस कैटेगरी के पाए जाते हैं। तो ये इसका जो है हैबिटेट है, हैबिटेट इसका काफी वाइड होता है। अगर आप इसके लीव्स के बारे में देखते हैं तो लीव्स में अगर आप देखते हैं तो इसकी जो लीव्स है उसमें क्या होता है, उसमें पैरेलल और रेटिकुलेट वेंटिलेशन जो होती है प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने लीव्स को देखा होगा तो ये लीव्स है, और इस लीव्स के अंदर इस तरीके से आपने लाइनिंग देखी होगी, तो ये लाइनिंग जो होती है वेंटिलेशन कहते हैं। तो इसमें जो इसके सब पार्ट्स अगर मैं बना दूं तो इसमें इस तरीके से क्या होगा, इसमें इस तरीके से ये रेटिकुलेट जो हो गया, रेटिकुलम टाइप की जो शेप होगी वो बनी हुई होगी, तो इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेंटिलेशन। अगर आप बात करते हैं दूसरे की, जैसे कि आपने बनाना का जो लीफ होता है वो देखा होगा, तो बनाना के लीफ में क्या रहता है, इस तरीके से एक मेन रिब्स होती है, और उसमें क्या रहता है, इस तरीके से पैरेलल और भी क्या आती है, वेंटिलेशन इसकी निकलती है। तो इसे हम कहते हैं पैरेलल वेंटिलेशन। एक बार दोबारा ध्यान देते हैं, तो ये कहता है हमारा दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट में हमने पढ़ा लीव्स के बारे में। लीव्स क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म में दो तरह के आप लीव्स देख सकते हो वेंटिलेशन के तौर पर। वेंटिलेशन क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं जब फूड को पहुंचाते हैं तो उसमें जो होते हैं ट्यूब के थ्रू जो होते हैं फूड को क्या करते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो उनमें क्या होती है, वेन्स प्रेजेंट होते हैं। इन वेन्स से जो होता है फूड और जो वाटर होता है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो ये जो नसें इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो ट्यूब इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं वेन, और इनका जो पूरा नेटवर्क बनता है उसे कहते हैं वेंटिलेशन। और ये प्लांट में दो, प्लांट के जो लीव्स है उसमें दो तरीके से जो होते हैं प्रेजेंट होती है। एक जैसे कि बनाना में आप देखोगे कि एक जो उसकी ब्रांच से एक मेन जो है ब्रांच निकली है और उससे सब ब्रांचेस निकली है वेन की, जो एक पैरेलल फॉर्म में चल रही है, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेंटिलेशन। और एक आप ये देखेंगे जिसमें क्या होगा कि एक मेन निकली, उससे ब्रांच निकली और उससे छोटी छोटी जो होगी वह स्मॉल इधर उधर फैल जाएगी और एक रेटिकुलम टाइप की शेप जो है बनाएगी, तो इसे हम क्या देते हैं, रेटिकुलेट वेंटिलेशन। तो ये बात जो होती है आप आपको ध्यान रखनी है कि इनके अंदर क्या होता है, पैरेलल और रेटिकुलेट वेंटिलेशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसी के साथ दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट वो आपको याद रखना है कि इसमें जो जाइलम होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो फाइबर को कंसिस्ट करता है, और लिब्री फॉर्म फाइबर इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम इसके अंदर क्या कंसिस्ट करता है, कंपेनियन सेल्स को कंसिस्ट करता है। तो यहाँ पे जो होते बात आपको याद रखनी, कई बार पूछ लेते हैं कि फ्लोएम जो होता है कंपेनियन सेल को रखता है नहीं रखता है, या फाइबर किस टाइप का प्रेजेंट होता है,
तो वाइब्रेरी पे लिब्री फॉर्म टाइप का जो होता है प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर अगला पॉइंट देखे तो अगला पॉइंट जो है वो आपने नॉर्मली कई बार पढ़ा है कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं क्या कंसिस्ट करते हैं, फ्लावर कंसिस्ट करते हैं। अब फ्लावर पे इसके क्या प्रेजेंट होते हैं, चार पार्ट प्रेजेंट होते हैं जिसमें से दो क्या होते हैं नॉन असेंशियल होते हैं और दो क्या होते हैं असेंशियल होते हैं। असेंशियल किन को कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेंगे उनको हम क्या कहते हैं असेंशियल कहते हैं, और जो नॉन असेंशियल होंगे वे क्या काम करेंगे, वे सिर्फ पॉलिनेशन कराने का काम करेंगे। तो ये होते हैं पेटल और सेपल। तो ये फ्लावर का एक डायग्राम हमने बनाया, इसमें आप देख सकते हो कि ये क्या होते हैं पेटल। अगर आप इमेजिन करो एक रोज को तो रोज की जो गुलाबी पंखुड़िया है उनको हम क्या कहते हैं पेटल्स कहते हैं, और ग्रुप में उसे हम क्या कहते हैं क्रोला। अगर आप एक की बात कर रही हो, कोई आपसे एक लीफ एक गुलाबी पंखुड़ी तोड़ के दे दे तो वो क्या है पेटल। अगर वो पूरे और पूरी जो होता है आपको पकड़ा दे तो वो पूरा ग्रुप जो होगा उसको हम क्या कहेंगे क्रोला कहेंगे। इसी तरीके से उसके नीचे जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है उसे हम क्या कहते हैं सेपल, और उसका कंप्लीट सेट क्या कहलाता है, उसका कंप्लीट सेट कहलाता है कैलेक्स। तो ये आपको जो है याद रखना, ये कलर्ड होते हैं और कलर्ड होने के कारण ये इंसेक्ट को क्या कर सकते हैं अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके लिए पॉलिनेशन के लिए। तो इसी के बाद यहाँ पे जो होते दो ऑर्गन और आपको दिख रहे हैं, जैसे कि ये तो ये क्या है ये स्टेमन होता है, इस तरीके से स्टेमन के दो भाग होते हैं, एक होता है एंथर और एक क्या होता है फिलामेंट होता है। फिलामेंट का काम क्या होता है, फिलामेंट जो होता है बस एंथर को एरियल पोजीशन में रखता है ताकि इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो इससे इजीली क्या कर सके कम्युनिकेट कर सके। और एंथर क्या होता है, एंथर जो होता है आप देख रहे हो आप बाइलोब्ड होता है, दो लोब का होता है, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होती है छोटी छोटी स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं पोलन सेक। इन पोलन सेक के अंदर क्या बनते हैं पोलन ग्रीन बनते हैं जो क्या होता है मेल गेमेटो फाइट होते हैं जो आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा क्या होता है, एक एंथर के अंदर एंथर है उसके पास क्या होती है दो लोब प्रेजेंट है, एक लोब के अंदर दो पोलन सेक प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल एक एंथर में कितनी होगी, एक एंथर अगर बाइलोब्ड है तो उसके अंदर चार होगी, एक एंथर अगर वन लोब है तो उसके अंदर दो पोलन सेक होगी। तो ये कई बार इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मगर प्राइमरी लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। उसके बाद अगर फीमेल पार्ट्स को देखते हो तो फीमेल पार्ट क्या है, ये बीच वाला होता है। इस पार्ट में क्या होते हैं, इस पार्ट में आपके तीन पार्ट है, एक है स्टिग्मा, ये होता स्टाइल, इसको हम क्या कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा क्या काम करता है कि पोलन ग्रेन जो होगा वो इस पे आगे क्या होता है सेटल डाउन होते हैं, और स्टाइल क्या होता है इसमें से पोलन ग्रेन जब टूटता है तो इसमें क्या बनती है एक पोलन ट्यूब बनती है। तो वो पोलन ट्यूब किसमें से होकर गुजरती है, स्टाइल में से होकर गुजरती है। और इसी के साथ यहाँ पे ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ओव्यूल के साथ उसे फर्टिलाइजेशन करना होता है। तो ये जो है पार्ट है, इसमें आप बताएंगे कि ये फीमेल ऑर्गन होता है, इसे कार्पल कहते हैं, इसे पिस्टल कहते हैं, इसे गाइनोसियम कहते हैं, और इसके जो होते हैं तीन पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होती है, एक ओवरी होती है। ओवरी के अंदर क्या होता है ओवम होता है, और स्टिग्मा का फंक्शन होता है कि रिसीव करता है पोलन ग्रेन को, स्टाइल पोलन ट्यूब को क्या करता है ट्रांसफर करता है, और वो कहाँ पे जाके फर्टिलाइज करती है ओवम में। अब ओवम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर ओवम की जो होती है बड़ी करके हम स्ट्रक्चर देखते हैं जैसे कि आपने 12th स्टैंडर्ड में भी इसे पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इस तरीके की क्या बनती है इसकी स्ट्रक्चर बनती है। इसमें ये क्या होता है, ये फिनिकल्स सॉरी ये इंटिग्यूमेंट होते हैं, बाहर वाले को आउटर इंटिग्यूमेंट कह देंगे, अंदर वाले को इनर इंटिग्यूमेंट कह देंगे। ये क्या होता है, ये न्यूसिलस होते हैं, ये क्या होते हैं इम्ब्रायोसैक प्रेजेंट होती है। इम्ब्रायोसैक में क्या होता है, इम्ब्रायोसैक के अंदर इस तरीके से कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं, और ये यहाँ पे क्या होता है ये चालाजेंड होता है। ये कौन सा एरिया होता है, इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो इस तरीके से इसके काफी क्या होते हैं पार्ट्स होते हैं। अब इसमें ये जो सेल होते हैं इन तीनों सेल को हम एंटीपोडियल कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं अभी। तो
बाद में जब ये फर्टिलाइज कर जाएंगे तो ये एक सेल बन जाएगा और इसको हम कह देंगे क्या, इसको हम कह देंगे एंडोस्पर्म। इसी तरीके से ये दो जो होते हैं इनको साइनराइज कहते हैं, ये जो होता है वो एग कहलाता है। तो इस तरीके से जो होता है ये सेल बनते हैं। ये साइनराइज का काम क्या होता है, फूड प्रोवाइड करना किसको, एग को। एंडोस्पर्म जो सेकेंडरी न्यूक्लियस बाद में क्या बन जाएंगे, एंडोस्पर्म। तो ये भी क्या करेंगे, जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, जायगोट बन जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, फूड देंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है जो कि आपको क्या करनी है, याद करनी है। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो एग होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एग कन्वर्ट हो जाता है जायगोट में, और जायगोट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रायो में, और उससे क्या बनता है, सीड बनता है। और इसी तरीके से ये जो होगा इसमें क्या हो जाएगा, ये फ्यूज होके क्या बना देगा, एंडोस्पर्म बना देगा, और एंडोस्पर्म क्या होता है, फूड प्रोवाइड करता है। अब यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, यहां से क्या क्वेश्चन आ जाते हैं वो देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन ही आ जाते हैं कि कई बार पूछेगा वो आपसे, जैसे एचटेट वगैरह केवीएस वगैरह में कई बार जो होता है क्वेश्चन आया है, और क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि जो एम्ब्रायो सैक होते हैं उसके अंदर कितने सेल प्रेजेंट होते हैं और कितने उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि वो आपसे कह देगा 7 सेल होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं, या 8 न्यूक्लियस होते हैं, या 7 सेल होते हैं। इस तरीके से वेरिएबल करके ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर 7 सेल्स होते हैं। कैसे सेल होते हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। असल में क्या होता है कि ये दोनों न्यूक्लियस जो होता है वो इतने क्लोज होते हैं कि दूर से देखने पर ये नजर आते हैं कि ये क्या सेल है और फ्यूज्ड है आपस में। तो इसलिए हम इनको गिनते हैं 7 सेल। मगर न्यूक्लियस की संख्या देखते हैं तो न्यूक्लियस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो न्यूक्लियस कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होते हैं ये दो है, मगर ये डायग्राम में जब भी आप देखते हो तो ये इतने क्लोज होते हैं कि पहले ही माना जाता था कि ये फ्यूज है, मगर बाद में जो होता है माना गया कि ये क्या अलग अलग है। तो वहीं से जो होता है क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये होता है कि वो एम्ब्रायो सैक में कितने सेल प्रेजेंट होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो आपको काउंट करके रखना है कि कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियस। अब दूसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में बन जाता है। और क्वेश्चन क्या होता है कि एंडोस्पर्म जो है, अगर एंडोस्पर्म की आप बात करें तो एंडोस्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस के जुड़ने से बनता है। ये दो न्यूक्लियस होते हैं, इसके साथ एक और मेल गैमेट आ जाता है और तीनों फ्यूज होके क्या बना देते हैं, एक सेल एक न्यूक्लियस बना देते हैं। तो ये बन जाता है एंडोस्पर्म। ये कितने के फ्यूजन से बना है, 3 के फ्यूजन से बना है। तो ये पूछ लेते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो ट्रिप्लोइड होता है, डिप्लोइड होता है, हैप्लोइड होता है। तो आपको बताना कि वो कितने न्यूक्लियस का बना होता है, वो 3 न्यूक्लियस का बना होता है, उसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। मगर अगर आप बात करें जिम्नोस्पर्म की तो जिम्नोस्पर्म में वो कैसा होता है, वो हैप्लोइड होता है। तो ये बात आपको जो है याद रखना है, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो होता है वो आपने 12th में भी पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो आप इजीली उसको बता दोगे। मगर जो जिम्नोस्पर्म होता है वो आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 12th क्लास में जो होता है ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो वो कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। तो आपको याद रखना कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसा होता है, वो हैप्लोइड होता है, उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सिर्फ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है। जो ट्यूब आएगी उसमें कितने न्यूक्लियस होंगे, 3 न्यूक्लियस होंगे। एक जो होता है वो साइनराइज सेल से पहले फ्यूज करने के बाद डिजनरेट हो जाता है, दूसरा जो होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है, क्या बनाता है, जायगोट बनाता है, एक फर्टिलाइजेशन। और तीसरा जो होता है उसके साथ फ्यूज होके क्या बनाता है, एंडोस्पर्म, मतलब 2 फर्टिलाइजेशन, नंबर 2। तो डबल फर्टिलाइजेशन इस तरीके से होती है इसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर, और जिम्नोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता, सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये जो थे आज के करेक्टर थे एंजियोस्पर्म के। अगर आपको जो होता है समझ में आया हो वीडियो और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पे जो होते कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।